पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार टेगो स्कूल तारानगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कक्षा 12 की एक बहुत ही सुंदर कविता ए बॉयज सॉन्ग जो इंग्लिश पोइट विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन ने, पिंजरे के पंछी उसके मालिकों और आजाद पंछियों और उनके मालिकों के बीच के एक एहसास को बड़ा सुंदर तरीके से पेश किया है जिस कविता में, उस कविता के साथ आज आपको रूबरू करवाना चाहूंगा। जी हाँ, पोइम का नाम है ए बॉयज सॉन्ग एंड इसके जो पोइट हैं वो हैं विल्फ्रिड विल्सन गिब्सन। आप इन शॉर्ट WW गिब्सन से समझ सकते हैं। कविता बहुत ही सुंदर एहसास के साथ लिखी हुई है। इस कविता के अंदर विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन जो हैं, एक पिंजरे के पंछी और आजाद पंछियों के बीच की उड़ान और फ्री उड़ान के बारे में बात करते हुए कहता है कि इस प्रकृति ने सभी अपनी क्रिएशंस को, अपनी रचनाओं को एक यूनिक उपहार दिया है और वो है आजादी। और कहीं भी किसी एक प्रजाति, किसी भी प्रजाति को यह हक नहीं है कि वह दूसरी किसी प्रजाति की इस स्वतंत्रता को, इस नेचुरल हक को छीन ले। आज इंसान अपने स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने अट्रैक्शन, अपनी ब्यूटी के लिए कुछ परिंदों को अपने घर पर कैद कर लेता है, पिंजरे में कैद कर लेता है और वो एक या दो पंछियों का मालिक बन जाता है। लेकिन गिब्सन जिस सुंदर तरीके से इस पोइम को यहां रिप्रेजेंट करते हैं, जो एहसास देते हैं कि प्रकृति की सुंदर रचनाओं के अंदर एक रचना है पक्षी, लेकिन ये सुंदर रचना तभी है जब ये अपनी उड़ान अपने आजादी के साथ भर रहा होता है। उस समय इसकी जो चहचहाट होती है वो कवि के हृदय पर किस तरह का एक असर डालती है। उस समय उनकी हर एक एक्टिविटी जो होती है वो, मैं यूं कहूं कि प्रकृति प्रेमियों के दिलों के ऊपर किस एहसास के रूप में छा जाती है। इन सारी बातों को बहुत सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट उन्होंने किया है अपनी इस कविता के अंदर जिसका नाम है ए बॉयज सॉन्ग। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां इस कविता के अंदर वर्ड बॉय के महत्व का। जी हां, इस कविता का कतई अर्थ ये नहीं है कि एक लड़के का गीत। यहां ये वर्ड बॉय अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। बच्चा भगवान की सबसे निस्वार्थ रचना है, सबसे निस्वार्थ रचना। एक बच्चा जिस इमोशन के साथ होता है वो देवीय इमोशंस होते हैं, वो रियल मानवीय एहसास होते हैं जो एक बच्चे के अंदर हम नोट करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। इन देवीय गुणों के साथ यदि बच्चा होता है जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है, लेकिन आदमी जब बड़ा होता है इस निस्वार्थ भावना और स्वार्थ मानवीय बिहेवियर के फर्क को आप यहां देख सकते हैं। ये बड़े लोगों का स्वार्थ है जो पक्षियों को पिंजरे में कैद कर देता है और ये एक निस्वार्थ मन का गीत है, एक बच्चे के जैसे नॉन सेल्फिश हार्ट से गाया हुआ गिब्सन का यह गीत इस कविता के रूप में ए बॉयज सॉन्ग। तो यहां वर्ड बॉय जो है वो पोएट के नॉन सेल्फिश हार्ट को, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, न कि यहां इसका अर्थ है एक बच्चे का गीत, एक लड़के का गीत। चलिए बढ़ते हैं इस स्लाइड के अंदर, इस पोएम के अंदर हम आगे की ओर। कविता की थीम की जो अभी हमने बात की थी, आप एक नजर रोक करके इस मोमेंट पर तसल्ली से एक बार कंप्यूटर स्क्रीन को नजर ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद हम इस विषय में फिर से बात करते हैं। देखिए ये कविता नेचर के जो प्रीशियस गिफ्ट है आजादी का, टू ऑल इट्स
इनहैबिटेंट्स, अपने सारे जो निवासी हैं उनके लिए इस आजादी के उपहार के बारे में यह कविता है। इंसानों की तरह, आदमियों की तरह पक्षी जो हैं वो भी प्रकृति की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है।